वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं जा रहा हूँ NHS अपने आप को रजिस्टर कराने यहाँ पे, जिससे कि मैं सारी सुख सुविधाएं इधर की ले सकूं अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम लोग जब IHS का पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे लगता है बहुत ज्यादा अमाउंट है, बट यहाँ आने के बाद अगर हम बीमार होते हैं या कुछ भी होता है तो यहाँ पे एक सेंटर होता है, वहाँ पे आप जाके प्रॉपर से फ्री में इलाज करा सकते हो और सारी चीजें करा सकते हो। जो NHS कैसे रजिस्टर करना है ये सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहो। मैं ऑलरेडी NHS के पास आ चुका हूँ। ये पीछे मेरे NHS है और ये कावली रोड वाला है मंजिल पे। तो बस मैं इनको पहले कॉल किया था, यहाँ पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम मतलब ये चीज़ का था कि कैसे करना है क्या करना है, तो मैं सोचा कि मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि कैसे करना है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा सा एक वीडियो नहीं मिलता कि क्या करना है, कैसे करें, कैसे रजिस्टर करें, और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस पहले सबसे पहले आपको इनको कॉल करना है और फिर उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि आओ और एक फॉर्म भर देना फिजिकल, उसके बाद 4-5 दिन लगते हैं। तो मैं बस अभी आ गया हूँ, अभी चलता हूँ इसके अंदर, जाके इनसे फॉर्म वगैरह लूँगा और फिल करूँगा, उसके बाद फिर जो भी होता है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। तो ये है ईस्ट ऑक्सफोर्ड हेल्थ सेंटर और मैं अपने नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ते हुए आगे की तरफ और मैं बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से अपने आप को शूट करते हुए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग हैं और देख रहे हैं कि मैं कुछ कुछ तो कर रहा हूँ मोबाइल के साथ, पता नहीं यहाँ पे अलाउ है या नहीं। मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ पे मेरे को बोले कि 10 मिनट वेट करो और उसके बाद हम आपको फॉर्म वगैरह देंगे। फिर जैसे ही 10 मिनट हुए मेरे को वो बुलाए और मैं फॉर्म लेने चला गया। वहाँ पे मैं मेरे को 2-3 फॉर्म दिए और जो जो चीजें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मास्क फ्री मिल रहे थे तो मैं इसलिए मास्क उठा लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, कौन सी बीमारी कहाँ फैली है पता नहीं, तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से मास्क वास्क लगा लिया था। और इससे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये भी इंडियन थी तो ये अच्छे से मेरे से बात बात की, मेरे को दे दिए। फिर उसके बाद मैं आया और इसको ये सारे फॉर्म सब मेरे को भरना है। ये सारे फॉर्म्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी है, अपने पासपोर्ट की डिटेल सारी भरनी है, आप कहाँ से हो, क्या एज है, कोई बीमारी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भरनी है। बाकी मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें, तो आप लोग देख लो, अगर पॉज कर करके देखना है तो वो प्रॉपर क्लियर दिखेगा, वो देखोगे तो अच्छे समझ में भी आ जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वेरी बेसिक क्वेश्चन आर देयर। और फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और थोड़ा सा मैं बी रोल्स दे रहा था, और ये सारे कागज़ मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेना है या कुछ लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ये वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग्स हैं, तो ये मे बी मेरे रेगुलर व्यूअर्स के लिए ना हो, बट जो यहाँ पे आने वाले ये सब आप लोग के लिए है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, आराम से पढ़ लो और फिर उसके बाद एक दिन में जाके सारा काम हो जाना है। यहाँ से एंट्री था और यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है, आज बहुत ज़्यादा विंडी माहौल है। तो जो भी मेरे को फॉर्म दिए थे मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ और इसमें सारी अपनी डिटेल्स भरनी होती है, बहुत ही इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप अपना भर सकते हो। और ये ID के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, तो पासपोर्ट या तो आप स्कैन कॉपी ले जाओ तो मेल कर दो, और अपना डायरेक्ट पासपोर्ट का फिजिकल कॉपी ले जाओ तो वो खुद ही ले लेते हैं फ़ोटो कॉपी वगैरह। तो बस इतना ही है, बाकी अगर 5 दिन के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। और कुछ कुछ वो कागज़ देते हैं उसको पढ़ लेना है, तो वो बाद में पढ़ सकते हैं घर जाके, तो मैं अभी जाके पढ़ूंगा। और बस यही था आज का, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्वीट सिंपल से काम है। जाओ वहाँ पे रिसेप्शन में जाके बोलो कि मेरे को फॉर्म चाहिए GP रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको फॉर्म देंगे, उसको फिल करो और फिल करके उसको दे दो। 10-15 मिनट का काम लगेगा, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, और उसके बाद आप उनको जाके दे दो, वो सारी चीज़ें बोल देंगे ठीक है आप 5 दिन बाद अपना, हम आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आप खुद ही अपना वो करें, आपको 5 दिन बाद कॉल करना है और काम हो जाएगा अपना। तो अभी यहाँ बहुत हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है, तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर डालता रहूँगा। आने वाले हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं आप लोगों को और भी हेल्पफुल चीज़ें बताता रहूँगा। मैं भी ये सारी प्रोसेस और प्रोसीजर कर रहा हूँ, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।